ओके लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन, चैप्टर 7 के क्वेश्चन शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में राइट करना है, तो सभी ने राइट किए? ओके चलिए आज हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन दिए गए हैं मौखिक क्वेश्चन, तो मौखिक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, अब हमें दिया गया है लिखित क्वेश्चन, ठीक है, मतलब राइटिंग। देखिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ज्योतिष के कितने बेटे, ठीक है, ज्योतिष के कितने बेटे थे, तो बताइए ज्योतिष के कितने बेटे थे, फिंगर से बताइएगा, 1 या 2, फिंगर से बताइएगा। कितने बेटे थे ज्योतिष के, फिंगर से बताइएगा, 1, 1 या 2, कितने बेटे थे बेटा, 1, ठीक है, और बेटे का नाम क्या था, दक्ष। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ज्योतिष ज्योतिष के दो सॉरी ज्योतिषी का एक बेटा था, ठीक है, ज्योतिषी का एक बेटा था, ज्योतिषी के कितने बेटे थे, 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ज्योतिषी का एक बेटा था। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिषी का बेटा किस काम में कुशल हो गया, ज्योतिषी का बेटा किस काम में कुशल हो गया था, जिसे पता है हैंड रेज कीजिएगा, कौन बताएंगे, ज्योतिषी का बेटा किस काम में कुशल हो गया था, अमय के पास ये समय बताइए, सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। ज्योतिषी का बेटा विद्या में कुशल हो गया, किस काम में कुशल हो गया था बेटा, विद्या, ज्योतिषी विद्या में, ठीक है, ज्योतिषी का बेटा किस काम में कुशल हो गया था, ज्योतिषी विद्या में, ज्योतिषी विद्या में, वेरी गुड। बुक निकालने को बोला था, चलिए हम आंसर राइट करते हैं। ज्योतिषी का बेटा ज्योतिष
ज्योतिष विद्या में कुशल हो गया था। ठीक है, ज्योतिषी का बेटा ज्योतिष विद्या में कुशल हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजा ने ज्योतिषी के बेटे से क्या बनने को कहा? बताइए कौन बताएगा इसका आंसर। राजा ने ज्योतिषी के बेटे को क्या बनने के लिए कहा था? क्या बनने के लिए कहा था? राशि, यस राशि, आप बताइए। राजा ने ज्योतिषी के बेटे को कहा पढ़ाई के विद्या के साथ साथ समझदार बनो। हाँ वेरी गुड, विद्या के साथ साथ उसे समझदार बनने के लिए कहा। और कोई इसका आंसर बता पाएंगे? नमन उपाध्याय, यस नमन, सेल्फ अनम्यूट कीजिए। राजा ने ज्योतिषी के बेटे को समझदार बनने को कहा। वेरी गुड, समझदार बनने के लिए कहा। इसका आंसर राइट करते हैं। राजा ने ज्योतिषी के बेटे से क्या बनने को कहा? कौन से लिखेंगे हम? राजा ने ज्योतिषी के बेटे को समझदार बनने को कहा। राजा के बेटे ने ज्योतिष राजा ने ज्योतिषी के बेटे को समझदार बनने के लिए कहा। मैं जरा ये क्या लिखा? पक्ष लिखिए हमारा। राक्षस, क्या राक्षस नाम था ज्योतिषी के? दक्ष नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। ठीक है, जो भी आंसर हो आपको फिंगर शो कर दिए। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, ज्योतिषी के लड़के का नाम क्या था? ज्योतिषी के लड़के का नाम क्या था? पक्ष, दक्ष या राक्षस, बताइए आंसर कौन सा होगा। फर्स्ट वाला आंसर है तो वन फिंगर शो करिएगा, सेकेंड आंसर है तो टू फिंगर शो करेंगे, और अगर आपका आंसर थर्ड है तो थ्री फिंगर शो कीजिएगा। बताइए राजा के ज्योतिषी के लड़के का नाम क्या था? पक्ष था, दक्ष था या फिर राक्षस था? क्या था बेटा? फिंगर शो करिएगा आंसर। अगर आपका वन है तो वन फिंगर शो कीजिएगा, टू है तो टू फिंगर शो करेंगे, और अगर आंसर आपका थ्री है तो थ्री फिंगर शो कीजिएगा। टू, वेरी गुड। राजा ज्योतिषी के लड़के का नाम था दक्ष। क्या नाम था? दक्ष। तो हम दक्ष पर राइट लगाएंगे। ओके, दक्ष के सामने वाले बॉक्स में राइट फिल करेंगे, ऐसा आपको अपनी बुक में भी फील करना है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ज्योतिषी अपने लड़के को क्या बनाना चाहता था? राजा का मंत्री, राजा का दरबारी या राज ज्योतिष, क्या बनाना चाहता था बताइए। जो भी आंसर हो वो फिंगर शो करेंगे। अगर आपका आंसर वन है तो वन फिंगर शो करेंगे, देन आंसर अगर आपका टू है तो टू फिंगर शो करेंगे, अगर आंसर आपका थ्री है तो थ्री फिंगर शो करेंगे। बताइए ज्योतिषी अपने बेटे को क्या बनाना चाहता था? राज ज्योतिष। ठीक है, वो अपने बेटे को क्या बनाना चाहता था? राज ज्योतिष, क्योंकि वो खुद भी राज ज्योतिष था, इसलिए वो अपने बेटे को भी क्या बनाना चाहता था? राज ज्योतिष। ओके,
तो राज ज्योतिष पे हम राइट करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजा की मुट्ठी में क्या बंद था, उनकी अंगूठी, चक्की का पार्ट या गाड़ी का पहिया, जो भी आंसर हो फिंगर शो करेंगे। बताइए राजा की मुट्ठी में क्या बंद था, आंसर जो भी हो आपका आपको फिंगर शो करना। क्या बंद था बेटा राजा की मुट्ठी में? यस, उनकी अंगूठी। ओके तो उन अंगूठी पर हमने लाइट लगाया। ओके क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरो। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें जो भी हमारा आंसर राइट है उसे इस खाली जगह में भरना है। ठीक है, मैं एक ज्योतिष था, बताइए यहाँ पर क्या आएगा आंसर में, क्या आएगा बताइए, जिसे आंसर पता है वो हैंड रेस करेंगे। मैं एक ज्योतिष था, अर्पित धीमान, अर्पित धीमान, यस बेटा बताइए। मैं दरबार में एक ज्योतिषी, दरबार, वेरी गुड, आंसर होगा दरबार। तो यहाँ पर हम फील करेंगे दरबार, दरबार में एक ज्योतिष था। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर दरबार लिख रही हूँ, दरबार, और यहाँ पे हम दरबार को फील कर देंगे। ठीक है, दरबार में एक ज्योतिष था। सेकंड देखिए, दक्ष और मेहनती नहीं था, बताइए क्या होगा आंसर, दक्ष और मेहनती नहीं था, जिसे आंसर पता है हैंड रेज कीजिएगा, जिसे आंसर पता है हैंड रेज करिएगा। यस इशिका सूर्यवंशी, सेल्फ ऑन म्यूट कीजिए। यस बेटा बताइए आंसर में क्या आएगा, इशिका सूर्यवंशी, बताइए क्या होगा आंसर। चले एनीवन, और कोई स्टूडेंट जो आंसर बताएंगे? रुचिका कसारे, सबसे पहले तो रुचिका क्लास आप अपने नाम से लॉगिन कीजिए। रुचिका कसारे आप ब्रदर के नाम से लॉगिन करते हैं क्लास, आप अपने नाम से लॉगिन कीजिएगा। ओके चलिए बेटा बताइए आंसर क्या होगा, दक्ष और दक्ष फिर स्पेस और मेहनती नहीं था। यस बेटा लाउडली बोलिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। रुचिका आपके सेल फोन में लेफ्ट लेफ्ट साइड पर टॉप पर देखिए कि स्पीकर बना होगा, आप उसे ऑन कीजिए। रुचिका की आवाज नहीं आ रही। चलिए एनीवन, और कोई स्टूडेंट जो आंसर बताएंगे? अमिता बरेठा, अमिता बरेठा सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। मिस कर दिया। यस बेटा बताइए इसमें आंसर क्या होगा। मैम इतनी देर से आवाज नहीं आ रही थी, बोलना। मिस आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा आवाज नहीं आ रही थी, आपने चैप्टर कंप्लीट किया बेटा? बोल रहा हूं। यस मिस, चैप्टर रीड किया था आपने? आज ही चालू, मिस आज ही चालू करा है। ओके आप चैप्टर 7 रीड कीजिएगा और फिर इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिएगा। ओके बेटा, और डेली क्लास कंटिन्यू करना है। एनीवन, और कोई स्टूडेंट? यस राशि काकड़े, मिस। हाँ जी, दक्ष बुद्धिमान और मेहनती नहीं था। वेरी गुड, यहाँ हम करेंगे बुद्धिमान, दक्ष बुद्धिमान और मेहनती नहीं था। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे बुद्धिमान। बुद्धिमान, ठीक है, दक्ष बुद्धिमान और मेहनती
नहीं था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? राजा ने फिर स्पेस निकालकर अपनी मुट्ठी में बंद कर ली। क्या मुट्ठी में बंद कर ली थी राजा ने अपनी निकालकर? ईशानी मौर्य। यस ईशानी टेल मी। अंगूठी। वेरी गुड, अंगूठी। राजा ने अपनी अंगूठी निकालकर अपनी मुट्ठी में रख ली थी ना, हमने चैप्टर पढ़ा था कि उन्होंने अपनी अंगूठी निकालकर कहाँ रख ली थी। अंगूठी, ठीक है, आंसर में हम फिल करेंगे अंगूठी। राजा ने अपनी अंगूठी निकालकर अपनी मुट्ठी में बंद कर ली। फोर्थ देखिए, राजा को लड़के के पर आश्चर्य, सॉरी राजा को लड़के के स्पेस हमें दी गई है, ज्ञान पर आश्चर्य हो रहा था। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर जिसे पता है हैंड रेज करेंगे। कशिश कुशवाहा। कशिश, यस बेटा। ज्योतिषी। ज्योतिषी, वेरी गुड। राजा को लड़के के ज्योतिषी ज्ञान पर आश्चर्य हो रहा था। हम यहाँ फिर करेंगे ज्योतिषी। ओके, राजा को उसके लड़के के ज्योतिषी ज्ञान पर आश्चर्य हो रहा था। नेक्स्ट लास्ट है, ज्ञान के साथ साथ भी जरूरी है। इसका आंसर तो सभी को पता होगा, ज्ञान के साथ साथ भी जरूरी है। बताइए क्या होगा? एक साथ सभी आंसर बोलेंगे, क्या होगा इसका आंसर बेटा? समझदारी। वेरी गुड, आंसर क्या होगा? समझदारी। ज्ञान के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। यहां फील करेंगे समझदारी, ज्ञान के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा, किससे कहा, ठीक है, मतलब हमें कुछ लाइन दी गई है, चैप्टर की कुछ लाइन्स दी गई है और हमें ये बताना है कि इस चैप्टर में ये शब्द किसने कहा था और किससे कहा था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यह मेरा पुत्र दक्ष है, इसने कई वर्ष तक ज्योतिष की पढ़ाई की है। बताइए ऐसा किसने कहा था? जिसे आंसर पता हो हैंड रेज करेंगे। किसने कहा था? आरुषि सहानी। यस बेटा, मैं ज्योतिषी ने राजा से कहा था। वेरी गुड, ज्योतिषी ने राजा से कहा था। तो आंसर हम लिखेंगे, किसने कहा था? ज्योतिषी ने। और किससे कहा था? राजा से कहा था, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे बेटा, ज्योतिषी ने किससे कहा था? राजा से। ओके, तो इसे हम याद कर देंगे। ठीक है, यह मेरा पुत्र दक्ष है, इसने कई वर्ष तक ज्योतिष की पढ़ाई की है। किसने कहा था? ज्योतिषी ने कहा था। किससे कहा था? राजा से कहा था, ठीक है। किससे कहा था बेटा? राजा से। अगले नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अभी इसकी परीक्षा लेकर देखते हैं। किसने कहा था ऐसा और किससे कहा था? हम अभी इसकी परीक्षा लेकर देखते हैं। जिसे आंसर पता है हैंड रेस्ट करिएगा। हम अभी इसकी परीक्षा लेकर देखते हैं। वन स्टूडेंट का हैंड रेस्ट हो रहा है, अमय केतवाल। बाकी स्टूडेंट को नहीं पता है क्या? काव्या, काव्या आपको पता है? यस काव्या, यस बेटा बताइए। राजा ने परीक्षा लेकर देखते हैं, ऐसा किसने कहा था बेटा? राजा ने। राजा ने, वेरी गुड। किससे कहा था? राजा ने। किससे कहा था काव्या? राजा ने। राजा ने तो कहा था, किससे कहा था बेटा? ज्योति, ज्योतिषी, ज्योतिषी से कहा था काव्या? यस मिस। ओके, काव्या का आंसर राइट है तो हैंड रेस कीजिएगा। अगर काव्या का आंसर राइट है तो हैंड रेस कीजिएगा, और अगर आंसर रॉन्ग है तो हैंड्स डाउन। राजा ने कहा था, सब लोग बताएंगे, राजा ने कहा था बेटा? राशि, काव्या ने आंसर सही बताया है? स्वरा, स्वरा मेहरा, यस मिस। काव्या का आंसर राइट है बेटा? यस मिस। ओके, तो हम राइट करें। चलिए, हम अभी इसकी परीक्षा लेकर देखते हैं, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था राजा ने। ठीक है, हम फिल करेंगे। राजा ने किससे कहा था? राजा ने ज्योतिषी से, ज्योतिषी से। ठीक है, तो इसे हम यहाँ फील कर देते हैं। राजा ने कहा था, और किससे कहा था? तो राजा ने कहा था ज्योतिषी से। ओके, राजा ने कहा था ज्योतिषी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, आपकी मुट्ठी में कोई गोल चीज है, बताइए किसने कहा था ऐसा? आपकी मुट्ठी में कोई गोल चीज है। आंसर जिसे पता हो हैंड रेज करिएगा। स्वरा मेहरा, यस बच्चा बताइए। स्वरा मिस, ज्योतिषी के पुत्र ने। हाँ, ज्योतिषी के बेटे का नाम क्या था बेटा? दक्ष, दक्ष। तो हम यहाँ लिखेंगे दक्ष ने। दक्ष ने किससे कहा था ऐसा? यस बेटा, दक्ष ने किससे कहा था? राजा से। आपकी तो हेल्प कर रहा है ना आंसर बताने में, आपको किसी की हेल्प नहीं लेना है, आपको सेल्फ बताना है। जो भी आपके पेरेंट्स, भैया, दीदी आपकी हेल्प कर रहे हैं, उन्हें मैसेज कीजिए कि आप उन्हें की हेल्प ना करें, वो आपकी हेल्प ना करें। आपकी मुट्ठी में कोई गोल चीज है, इसने कहा था ज्योतिषी के बेटे ने, और ज्योतिषी के बेटे का नाम क्या था? दक्ष। ठीक है, दक्ष ने किससे कहा था? तो हम यहां लिख देंगे राजा से। ठीक है, दक्ष ने कहा था राजा से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें ज्योतिष का ज्ञान तो अच्छा है लेकिन तुम्हें समझ नहीं है, किसने कहा था ऐसा? हैंड रेस करके बताइएगा। तुम्हें ज्योतिष का ज्ञान तो अच्छा है लेकिन तुम्हें समझ नहीं है, किसने कहा था बताइए? हैंड रेस कीजिएगा जिससे आंसर बताओ। राशि को नहीं पता है क्या? राशि का हैंड रेस नहीं हो रहा है। धैर्य कौशल, धैर्य कौशल, सेल्फ को अनम्यूट कीजिए।
आपको नहीं पता है? मम्मी क्यों? आपने पढ़ाई नहीं की ना, चैप्टर नहीं किया, वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा। मैंने लास्ट डे आपसे कहा था ना चैप्टर रीड करना है, फिर हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। कह रहे पढ़ाई नहीं हुई थी क्या? यस राशि बताइए किसने कहा था? राजा ने दक्ष से कहा। वेरी गुड, राजा ने दक्ष से कहा। तो यहाँ हम लिखेंगे राजा ने, सबसे पहले लिखेंगे राजा, राजा ने किससे कहा था? दक्ष से। ओके, राजा ने कहा था दक्ष से। क्लियर हुआ सभी को? चलिए तो आज हम अपना, आज का वर्क हमारा इतना ही कंप्लीट करना है हमें। अब जो हमारा इस चैप्टर का जो भी पेंडिंग वर्क है वो हम नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। ओके, अब लिसन आपका होमवर्क क्या है? अभी मैंने आपको जितना भी पढ़ाया ये सभी मैं आपको अभी ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, और जो भी पढ़ा आज इसका वीडियो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। आपको ये सभी वर्क अपनी पेयर कॉपी में राइट करना। क्लियर हुआ? और इसके साथ ही आपको मैथ्स और हिंदी का वर्क भी दिया जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद ही आपको व्हाट्सएप पर मैथ्स और हिंदी का वर्क भी दिया जाएगा। वो सभी वर्क आपको अपनी फेयर कॉपी में राइट करना है, और हिंदी का वर्क भी आपको अपनी फेयर कॉपी में राइट। ठीक है बेटा, फिर हम कल मिलते हैं। ओके, बाय एवरीवन।